Assalamu alaikum students, kaise aap sab? Okay, now we will start the second topic of our chapter number 9. Apne chapter number 9 ka second topic start karne lage hain, jiska naam hai effect of heat. Hum logon ne sources of heat to is chapter mein padh liye ki heat ke sources kya kya hote hain, jisme humne do basic padhe hain, sun, coal and natural gas. Theek hai, okay. Ab agar hum is heat ko kisi cheez pe apply kare, jaise ye solid hai, इसको अगर हम हीट दें इस पर उसका क्या इफेक्ट होगा. इसी तरह हम लिक्विड पानी पे अगर हम हीट दें पानी पे उस हीट का क्या इफेक्ट होगा. और इसी तरह अगर हम गैसेस पे अगर हीट लगा अप्लाई करते हैं तो उस पर उस हीट का क्या इफेक्ट होता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट. इसमें हम लोगों ने ना दो टर्म्स डिस्कस करनी है, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड व्हाट इज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं ना तो क्या होता है कि उसका ना साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, लाइक अगर कोई हमारे पास ये इस तरह का कोई मैस हो, ठीक है, और हम जो हैं उसको हीट करें तो उसका जो साइज़ है ना थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, जैसे कहते हैं कि मानसून के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लकड़ी जो है थोड़ी सी फूल जाती है. ठीक है, और बाद में जब वो गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो लकड़ी जो है दोबारा से ठीक हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. कि जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंशन सी हो जाती है उसमें. लाइक डेफिनेशन में उसने क्या किया हुआ है, क्या कहा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स, वो ऑब्जेक्ट जो है बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है. दिस एक्सपेंशन ऑफ मटीरियल, उस मटीरियल की इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन. ये जो वर्ड है ना थर्मल, थर्मल मीन्स थर्म से निकला जिसका मतलब है हीट, और एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंड हो रहा है किसकी वजह से, हीट की वजह से. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन. अब अगर हम इसी सब ऑब्जेक्ट को बाद में कूल डाउन करें, ठीक है, ठंडा करें, तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में, लाइक हम इसको अब ठंडा करें, इतनी इसकी शेप हो गई थी, अब हमने इसको ठंडा किया है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, जितना पहले साइज था उतना ही हो गया. जैसे मैंने अभी लकड़ी की एग्जाम्पल दी, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है थोड़ी सी फूल जाती है, बाद में जब ठंड हो जाती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. बुक में क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, कि जब ऑब्जेक्ट ठंडा करते हैं हम उसको, द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अब इसी वीडियो में जो है ना हम एक और टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज अबाउट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. के हम सॉलिड्स में डिस्कस करने लगेंगे थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है. ओके, जो कि हमारा टॉपिक है टॉपिक 9.2.1 थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. कि सॉलिड्स के केस में ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कैसे होती है. अच्छा, अब आपने ना एक एग्जांपल सुने मेरी, ठीक है, कहानी सुने, स्टोरी सुने. एक छोटा सा रूम है, ठीक है, उसमें उन्होंने 100 ऑफ स्टूडेंट्स डाल दिए, छोटा सा रूम है उसमें 100, जिसमें सिर्फ 50 लोग आ सकते हैं अगर वो आराम आराम से रहना चाहें. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 100 डालने हमने इस क्लास में. ठीक है, वो 100 डाल देते हैं. अब वहाँ पे जो ना सिर्फ मुश्किलों से वो ना सुकड़ सुकड़ के खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के. ठीक है, तो लाइक अभी जो है ना वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, 5 6 7 8 9 10, कंसीडर करिए 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, कंसीडर कर लें हवाओं में, दिमाग में. ठीक है, अभी 100 स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल साथ साथ चिपक चिपक के खड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है कभी इधर उधर मूव कर सकें. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ना इस कमरे में बहुत गर्मी है, हम इसमें हीटर चला देते हैं. ठीक है,
हीटर चलाने से क्या होता है, वो कहते हैं हल्ला हमें तो पहले ही बड़ी इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से तुमने हीटर चला दिया है, तो वो क्या कहते हैं एक दूसरे को धक्के मारने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि इनके बीच में ना डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा थोड़ा, लाइक ये पहले बिल्कुल साथ साथ जुड़े थे, अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा ना डिस्टेंस आ गया, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो गए ये। ठीक है, डिस्टेंस आ गया ना इन सबके बीच में हीट करने की वजह से, मतलब कि हमने हमारे पास पहले वो सब जुड़ जुड़ के खड़े हुए थे, हमने तो वहाँ पे हीट हीट इलेक्ट्रिक हीटर चला दिया भाई, तो क्या हुआ है अब वो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने ना हीटर बंद कर दिया, अब हमने एसी चला दिया, बहुत ही ना तेज करके ना एसी चला दिया है, जीरो पे कर दिया एसी को, तो अब क्या होगा, अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एक दूसरे को साथ साथ चिपकेंगे कि अल्लाह इतनी ठंड हो रही है। ठीक है, तो अपने आप को वार्म करने के लिए साथ साथ चिपकेंगे, तो अब जो है ना वो पहले जो थोड़ा क्लोज थे अब वो ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे ऐसे। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी। अब इसी स्टोरी को अप्लाई कर दो सॉलिड्स के केस में। सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड के एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, जैसे ये वाले थे एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब ये क्लोज होते हैं मूव भी कर सकते होते हैं, इनके मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो जब हम इन सॉलिड के एटम और मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं ना तो इनके ना बीच में जो है ना स्पेस सी आ जाती है। ठीक है, लाइक ये पहले अगर इतनी जगह पे थे अब वो इतनी, अब अगर वो पहले सॉरी इतनी जगह पे थे ना वो इतनी जगह लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब हमने उसको कूल किया तो पहले जो अगर वो इतनी जगह पे था अब वो इतनी जगह पे हो गया, इतनी जगह पे था अब इतनी भी हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, दिस इज अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 126, उसने उस पैराग्राफ में पता क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है ना वो एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब सॉलिड पे, नेचर ऑफ सॉलिड पे। के अगर हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, वुड है, वुड का थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो डिफरेंट होगा, प्लास्टिक का थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन डिफरेंट होगा, ये वॉल है, वॉल का थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दी थी वुड की, कि वुड जो है गर्मियों में सुकड़ जाती है, बाद में जो है ना ठीक हो एक्सपेंड हो जाती है, बाद में ठीक हो जाती है। क्या ऐसा होता है कि आप लोग अपने एसी के साथ ही ऑब्जर्व करें कि एसी जो है गर्मियों में थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बाद में थोड़ा सा पतला हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि वुड का थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट है, प्लास्टिक का थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन डिफरेंट है। अब यहाँ उसने ना एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, 1, 2, 3, 4th लाइन में, फॉर एग्जाम्पल 1 meter long brass rod increase 1 mm in length when its temperature increase by 100 degrees Celsius। वो कहता है अगर हमारे पास एक ब्रास का, ब्रास एक ना टाइप है, ठीक है, मेटल की, लाइक ये कंसिडर कोई ब्रास है, हम इसका टेम्परेचर कर दें 100 degrees Celsius बढ़ा दें, लाइक अगर अगर अभी इसका टेम्परेचर 25 है, हम इसका टेम्परेचर कर दें 125, तो जो है ना इसकी लेंथ बढ़ेगी कितनी, 1 millimeter। ये किस केस में है, ब्रास के केस में, कि ब्रास की लेंथ कितनी बढ़ेगी, 1 millimeter। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है, तो उसकी लेंथ सिर्फ बढ़ती है 0.6 mm। ज़्यादा लेंथ किसकी बढ़ी है, ज़्यादा एक्सपेंशन किस में हो रही है, ब्रास में, और आयरन में एक्सपेंशन कम हो रही है। ठीक है, अब अगर हम नीचे एक्टिविटी देखें तो उसने कहा कि हमने एक ऐसी स्ट्रिप ली है जिसके ना ऊपर ब्रास लगी हुई है और नीचे जो है ना आयरन लगी हुई है, तो जब हम उसको हीट करते हैं ना थोड़ी सी कर्व हो जाती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है, तो बस वही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस इज़ अबाउट द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक दूसरे को धक्का मारने लग जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनमें एनर्जी आ जाती है, वो कहते हैं यार साइड पे हो पहले इतनी गर्मी है तुम्हें और गर्मी दी जा रहे हो, और जब हम उसको टेम्परेचर कम कर देते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, उसे क्या होता है कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे,
अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो ब्रास में कितनी एक्सपेंशन आती है 1 mm और आयरन में कितनी आती है 0.6 mm, मतलब ब्रास में ज़्यादा होती है आयरन में कम होती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।